एक एक सही पूरा मेरा इसमें मेरे खून सही पूरा में मेरा खून जुड़ा हुआ है, सही पूरा में मेरे रूह जुड़ा हुआ है, सही पूरा के साथ मेरी जो अंग अंग है वो जुड़ी हुई है। लिहाजा यहाँ प्यार मिलना मुझे कुदरती हम बात है, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला खाली सही पूरा में आपको ये नहीं देखने मिलेगा, इंशाल्लाह ताला गाजियाबाद में हर एक जगह आपको पता चलेगा कि मनोहर ख्वाजा के साथ लोग मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, हमने किसी कभी से कभी किसी को चीट नहीं किया है, हमने जो किया है साफ किया है, साफ बात की है, झूठ नहीं बोला है। पहले मैं सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उसी की तवक्कल पर मैं निकला हूँ, और जो कारवान मैंने शुरू किया है वो कारवान इंशाल्लाह ताला इनको लग रहा था कि शायद ये कुछ करने वाला नहीं है, अब मैं उनको चले ही दे रहा हूँ अल्लाह के भरोसे पर, आओ मुकाबला करेंगे। लेकिन आप याद रखना, मैं मीडिया के जरिए उनसे कहूँगा कि एक कैंडिडेट को हक है इलेक्शन लड़ने का, अगर उसके घर में मुलाजिम होंगे उसका क्या कसूर है, उनको वो कंप्लेंट करते हैं, लेकिन मेरी एक सियासत है, मैं किसी मुलाजिम को जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगा मैं उसके खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसका रोजगार है। मैं चाहता हूँ मैं सच की सियासत करूँ और तामीर तरक्की की बात करूंगी, रोजगार की बात करूं, नौजवानों के पर्चे की बात करूं, नौजवानों की रोजगार की बात करूं, या अस्पताल तालीम कॉलेज की बात करूं, मैं बड़ी सियासत करने के लिए नहीं निकला हूं। मेरा आपका अपना मेरा पार्टी का मंशूर एक है, लेकिन मेरे मैंने पहले किया है मेरी बड़ी सियासत के लिए मेरे बड़े लीडर हैं, लेकिन यहाँ मैं मसाइल से जूझा हूँ, यहाँ न पानी है न अस्पताल है न लेडी डॉक्टर है न रोजगार है न राशन बराबर है न बिजली बराबर है, इसके बरक्स बिजली फीस लोगों को लाखों में चढ़ाया गया, उसकी बात मुझे करनी है। मैं वो मंशूर लेकर मैं लोगों के मुश्किलात को लेकर आगे लेकर चल रहा हूँ, वो ये मंशूर मेरा। मैं एक चीज़ करूँगा, सियासत आती रहती है सियासत चलती रहती है, आपस में प्यार बांटो, नौजवानों से मैं गुजारिश करूँगा सिर्फ मोहब्बत बांटो, ये 10 दिन की वोटिंग है, 10 दिन के बाद आपको सबों के साथ बुजुर्गों के साथ एक दूसरे का साथ मिलना है, अमन के साथ चलो, अमन के साथ रहो, आइंदा फैसला जो है अल्लाह पर छोड़ो।